सामने एक मीटर से हम चेक करेंगे कहाँ पे कौन सी ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है। क्या हो सकता है कीबोर्ड से भी दिक्कत हो तो इस वीडियो में हम बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारे पास 90 वाट का प्री एम्पलीफायर है जो हमारे कस्टमर से आए हुए हैं। तो ये साउंड में दिक्कत है और तो हम साउंड सबसे पहले हम ग्राफ पे चेक करके बताएंगे इस वीडियो में कि ग्राफ किस तरीके से बन रहा है। तो ग्राफ से ही पता चल जाएगा आपको कि हाँ साउंड में दिक्कत है या नहीं। तो सबसे पहले हम सेट को चेक करेंगे ग्राफ पे। तो यहाँ पे हमने सारी कनेक्शन कर लें और कनेक्शन करते हुए हम सबसे पहले ऑफ लोड पे चेक करेंगे, उसके बाद हम ऑन लोड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ये ग्राफ है ये तो ये ग्राफ जो सही नहीं बन रहा, इसके वजह से साउंड में दिक्कत हो सकता है। तो मैं आपके सामने एक मीटर से हम चेक करेंगे कहाँ पे कौन सी ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा है। क्या हो सकता है कीबोर्ड से भी दिक्कत हो तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से हमारा ये। तो सबसे पहले हमने ये ग्राफ को दिखाया कि ये सही नहीं बन रहा है, जैसे ये नीचे है तो ये ऊपर से कम है, तो यहाँ पे ये नहीं बनना चाहिए, इसके वजह से साउंड वगैरह दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वोल्टेज चेक किया तो ये ट्रांजिस्टर काम कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसे वोल्टेज वगैरह यहाँ पर वोल्टेज ही नहीं आ रहा। तो हो सकता है यहाँ से पावर ट्रांजिस्टर से दिक्कत हो रहा हो। तो पावर ट्रांजिस्टर सही तरीके से अगर काम करेगा तो वहाँ पे पावर ट्रांजिस्टर जो है वो हल्की सी गर्म होगा तो समझो कि काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे वोल्टेज आना, तो वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज आना जरूरी है तभी ये पावर ट्रांजिस्टर हर तरीके से काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पावर ट्रांजिस्टर है चारों पे वोल्टेज बराबर होना चाहिए, डीसी वोल्टेज है। तो जैसे कि हमने देखा कि अब वोल्टेज बराबर आ चुका है, आप ग्राफ भी देख सकते हैं कि ये जो ये बन नहीं रहा था अब ये बिल्कुल क्लियर बन गया, नीचे ऊपर बराबर। तो अब साउंड में कोई किसी तरीके से दिक्कत नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो साइन में बन रहा है, यहाँ पे क्लियर। तो ये हमारे पास कस्टमर से आए थे, जैसे कहा साउंड में दिक्कत है, तो हम ये दिक्कत क्या था इस वीडियो में हमने बताया कि ये पावर ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा था। जैसे ऑन करते ही ये तीनों काम कर रहा था, तो हाथ रखने से गर्म हो रहा था और यहाँ पे एकदम ठंडी पड़ी हुई थी, तो ये पावर ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा था। तो जैसे कि हमने ये रिपेयर के लिए इस वीडियो में बताए हैं, जाहिर सी बात हो कि सभी को समझ में आया हो। तो दोस्तों अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और फटाफट साउंड भी हम सुना कर बताएंगे इस वीडियो में। यहाँ पे हम साउंड भी माइक के सुनाएंगे। हेलो हेलो जी, हेलो जी जी, हेलो 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 हेलो, क्लियर आवाज है दोस्तों। माइक का
साउंड और यूएसबी का साउंड मैक से ही पता चल जाता है कि यहाँ साउंड में क्या है। तो दोस्तों इसी तरीके से हम रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी भी जरूर दबा देना। धन्यवाद।